रीवा में बीच चौराहा चला चाकू और लाठियां, चार युवकों को दौड़ा दौड़ा कर विक्षिप्त युवक ने मारा चाकू। शहर के सिरमौर चौराहे में हुई घटना, पहले विक्षिप्त ने चाकू से मारा, फिर घायलों ने लाठी से पीटा। बता दें कि शहर के बीचों बीच चौराहे में हुई ये चाकूबाजी व लट्टेबाजी की घटना एक लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक विक्षिप्त युवक हाथ में चाकू लेकर लोगों को दौड़ाता नजर आता है, जिसने चाकू से हमला कर चार राहगीरों को घायल कर दिया। इस घटना में घायल हुए लोगों ने भी अपने बचाव में विक्षिप्त युवक को लाठियों से पीटा और मौके से जान बचाकर भाग खड़े हुए। दावा है कि यह लाइव वीडियो शहर के मैया थाना क्षेत्र स्थित सिरमौर चौराहे का है, जहां बुधवार की रात एक विक्षिप्त युवक ने राहगीरों को दौड़ा दौड़ा कर उन पर चाकू से हमला किया। इस घटना में चाकू लगने से चार लोगों को घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि विक्षिप्त युवक चौराहे में ही घूम रहा था, जिसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था और वह चाकू लेकर चौराहे से गुजर रहे लोगों को दौड़ाते हुए उन पर चाकू से हमला कर देता है। शहर के बीचों बीच चौराहे में इस विक्षिप्त युवक और राहगीरों के बीच हुई चाकूबाजी और लट्टेबाजी के दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विक्षिप्त युवक द्वारा किए गए हमले में चार लोग घायल हुए हैं, जिसमें किसी के हाथ तो किसी के पेट में चोटें आई हैं। हालांकि इस मामले की शिकायत थाने में नहीं दर्ज कराई है, लेकिन घटना का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो के बाद पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने लाई थी, जिनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहीं इस मामले में ये भी सामने आया कि दोनों पक्ष किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे, जिसके बाद पुलिस ने दबा कराकर छोड़ दिया है।